Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you will be fine in the best condition of health and everyone. Dear students, जैसा कि आप आजकल के हालात से अच्छी तरह से आगाह हैं, उम्मीद है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन से जो है फायदा उठा रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो आप से मैं ये कहूँगी कि आप दायरा जम स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको मजीद आने वाले वीडियोस मिलते रहें। आए अब हम अपने सॉल्विंग सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 10 लेक्चर नंबर 18। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, चूज द करेक्ट आंसर। Someone ate my cookies. The underlined word is ate and pronoun. अब इसमें बेटा someone underline किया गया है, हमने बताया कि someone जो है वो कौन सा pronoun है, personal pronoun है, relative है, indefinite है या nonative है। तो बेटा ये indefinite pronoun है क्योंकि इसमें someone जो है वो कोई भी हो सकता है, तो indefinite pronoun इसका right answer है। If he offers me a job, I will accept it. ये आपको sentence provide किया गया है, आपने बताना है ये कौन सी type है, one है, two है, three है और none। तो ये कंडीशनल टाइप 1 है क्योंकि इसमें एक में एक पोर्शन में प्रेजेंट फ्यूचर डेफिनेट और दूसरे में सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट नंबर 3 देखें, मारिया फेल ओवर द कैट। ओवर द कैट यहां पर अंडरलाइन किया गया है और तुम्हें बताना है ओवर द कैट जो है वो कौन सा फ्रेज है। इज इट इंफिनिटिव फ्रेज, जेरंड फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज और नन ऑफ दीस। बेटा अगर हम ओवर द कैट देखते हैं तो उससे हम बताता है कि प्रपोजिशनल फ्रेज है। नंबर 4 देखें, द सिटी वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। इसमें जो है वो डैमेज को अंडरलाइन किया गया और आपको बताना है कि डैमेज जो है वो क्या है। बेटा हम देखिए इसके ऑप्शन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरंड है। तो जो द सिटी वाज डैमेज्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है। इज दिस योर टीचर्स बुक, इसमें अंडरलाइन वर्ड है दिस और इसका मतलब बताना है कि कौन सा प्रोनाउन है। इज इट अ क्लासिक प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव और इंडेफिनिट। बेटा हम देखते हैं ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। इज दैट इट गो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट एन एसे ऑन काइडियाज्म। तो ये आपके बिटवीन की राशि में मौजूद है ऐसे, आपने वहां से इसको जो है वो लिख लेना है और उम्मीद है कि आपने ये शीट जो है सॉल्व कर ली होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर हम आगे।